हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट एंड छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की। तो जो सेक्शन 2 है जिसमें आते हैं डेफिनेशन, उसमें एकोमोडेशन, हैबिचुअल डिफॉल्टर, रेंट कंट्रोलर, रेंट ट्रिब्यूनल, ये सब सेक्शन नंबर्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस के केवल हम मार्जिनल हेडिंग्स बता रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट लेके बैठे तो इट्स वेरी गुड। सेक्शन 6 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 7 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर। सेक्शन 8 पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 9 पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर। सेक्शन 10 प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द रेंट कंट्रोलर्स एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 12 राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। सेक्शन 13 अपील। नेक्स्ट जो शेड्यूल्स हैं रेंट कंट्रोल में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेड्यूल 1 आपकी बात करता है टेनेंट्स राइट्स अवेलेबल अंडर द एक्ट। शेड्यूल 2 बात करता है लैंडलॉर्ड राइट्स अवेलेबल अंडर द एक्ट। शेड्यूल 3 आपकी बात करता है लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट। एंड शेड्यूल 4 इज अबाउट टेनेंट्स ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हर एक एक्ट का कमेंसमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, टोटल कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल्स हैं एंड चैप्टर्स भी। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ इन चैप्टर 2 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, तो इट इज़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो चैप्टर्स प्लस की मार्जिनल हेडिंग के साथ आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड का। तो बहुत बड़ा चैप्टर कोड है हमारा, तो कोशिश की है जितने कम सेक्शंस आपको दे उतने कम दिए। तो आई वुड से कि जो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, एक्साइज और रेंट कंट्रोल, इन सब का मैंने वीडियोस बना के अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से जाके वो पूरा एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन विद दिस कोड। सेक्शन 2 हमारी बात करता है जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन सब सेक्शन है डेफिनेशंस में। इट इज़ आबादी, एग्रीकल्चर, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, लैंडलेस पर्सन, मैनग्रोव, रेंट, सर्वे नंबर, टिम्बर ट्रीज। टिम्बर ट्रीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन कल्टिवेट पर्सनली, कल्टिवेट पर्सनली इट इज़ इन Z2। ओके, ये आप देख लीजिएगा। ओके, देन आता है हमारा सेक्शन 11 विच इज़ अबाउट रेंट रेवेन्यू ऑफिसर। ये जो सेक्शंस हैं, ये मैंने सिर्फ सेक्शन नंबर लिख दिए हैं, सेक्शन 14, 15, 16, 17, दे आर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। ओके, सेक्शन 33 इज़ अबाउट द इनहेरेंट पावर ऑफ द रेवेन्यू कोड। सेक्शन 44 अपील एंड अपीलेट अथॉरिटी। सेक्शन 50 इज अबाउट रिवीजन। सेक्शन 58A सर्टेन लैंड्स टू बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 60 असिस्टमेंट बाय होम टू बी फिक्स्ड। देन आते हैं हमारा सेक्शन 62, 63, 64 एंड 66। तो ये जो हमारा सेक्शंस हैं 62 वाले, दे आर अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर एंड देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। 64 इज़ अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेटलमेंट, डिप्टी सेटलमेंट एंड असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स। एंड 66 इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू सर्वे। तो दे आर इम्पॉर्टेंट। देन आता है सेक्शन 77। आप डायरेक्ट लेके बैठे, आई वुड सजेस्ट, एंड उसमें आप टिक करते जाइए। ओके, सेक्शन 77 इज़ अबाउट फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट। सेक्शन 93 इज़ अबाउट द पावर ऑफ द कलेक्टर एंड टू डिवाइड लैंड इनटू प्लॉट नंबर। सेक्शन 94 इज़ अबाउट द पावर ऑफ कलेक्टर्स टू रीनंबर और सब डिवाइड द प्लॉट नंबर। सेक्शन 104 इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पटवारी सर्कल्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारी देयर टू। 108 रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। 111 इज़ अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। 107 इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स अबाउट द फील्ड मैप। 114 लैंड रिकॉर्ड्स। 114A किसान किताब। अगर कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में टाइम पीरियड दिया हुआ है तो प्लीज़ उस टाइम पीरियड को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे कोई पनिशमेंट के बारे में दिया गया है तो गो थ्रू दैट पनिशमेंट ऑल्सो। फाइन है तो कितना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 118 इज़ अबाउट द ऑब्लिगेशन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन एज टू टाइटल। 124 इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑफ विलेज एंड सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर। 128 इज़ अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स।
सेक्शन 147 इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरीज, ओके, एंड 152 इज़ अबाउट द लैंड सोल्ड फॉर एरीज टू द टू बी फ्री फ्रॉम एनकंबरेंस. सेक्शन 158 इज़ अबाउट द भूमि स्वामी. सेक्शन 165 इज़ अबाउट द राइट टू ट्रांसफर. 170A इज़ अबाउट द सर्टेन ट्रांसफर टू बी सेट असाइड. 170B इज़ अबाउट द रिवर्जन ऑफ लैंड ऑफ मेंबर ऑफ ऑब्लिगेशन ट्राइब्स विच वॉज ट्रांसफर्ड बाय फ्रॉड. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके. सेक्शन 176 इज एडोनमेंट ऑफ होल्डिंग्स. 178 इज अबाउट द पार्टीशन ऑफ होल्डिंग. 180 इज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ फ्री. 183 इज अबाउट द सर्विस लैंड. 185 इज अबाउट द ऑक्यूपेंसी टेनेंट. 195 इज अबाउट द ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स राइट टू ट्रांसफर. 198 इज अबाउट द सरेंडर. 204 and 203 इज अबाउट द एल्यूवियन एंड डेल्यूवियन, ओके. 209 इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ स्कीम फॉर कंसिडरेशन ऑफ होल्डिंग. 222 इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ पटेल्स. 230 इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार्स एंड देयर ड्यूटीज. 234 इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ निस्तार पत्रक. ये इंपॉर्टेंट है, ओके. नेक्स्ट इज 235 जो बात करता है मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर निस्तार पत्रक. 242 वाजिब उल अर्ज. 247 इज अबाउट द गवर्नमेंट टाइटल टू मिनरल्स. यहाँ पे फाइन की भी बात की गई है, ओके. 248 आपकी बात करता है पेनाल्टी फॉर अनऑथराइजली टेकिंग पोजेशन ऑफ लैंड. 250 री इन स्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड. 257 इज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज. 264 इज अबाउट द कोड नॉट अप्लाइड टू सर्टेन केसेस. अब यहाँ पे जो शेड्यूल 4 है ये कब इंसर्ट किया गया था तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो सीजे एक्ट नंबर 13 ऑफ 2012 विद इफेक्ट ऑफ 4/5/2012. And that's all. I hope all the very best to all the students who are appearing for the Chhattisgarh and give your 110%. Thank you so much.